जो मोटरसाइकिल मैं आज चलाने वाला हूँ वो थोड़ी स्पेशल है, दिस वन, राइट। आज मजा आ रहा है बाइक खींचने का, रुकने का दिल ही नहीं करता और खींचते जाने का दिल करता है, वही वाली फीलिंग है GS 1250 में। बस खींचते जाओ बाइक को, कोई अंत ही नहीं है पावर बैंड का, लिटरली खींचते जाओ। और 150 पे जाके रियलाइज होता है यार कि भाई स्पीड है बाइक की, शांत हो जाओ। एंड ये होती है डेंजरस बात बड़े इंजन्स की, थोड़ा सा प्यार से और आराम से चलाना पड़ता है दिमाग को शांत रख के। एंड नोबडी कैन से ही हैज़ लर्नड एवरीथिंग, इतने साल से मैं भी बाइक चला रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार कि भाई मुझे और शांत होने की ज़रूरत है बाइक चलाते समय। ये तेज़ चलाने वाला सीन कम करना चाहिए, बट ये नशा ऐसा है ना ब्रो, तेरा नशा नशा, वही वाली बात है भाई, बड़ा मुश्किल है। क्या बात है ब्रो, क्या बात है, Insta 360 फुटेज। ये देखो जा रहा है गौरव ऑन द वर्सेस 650। दिस वाज माय आई वुड से द सेकंड बिग बाइक दैट आई बॉट। अभी प्लान थोड़ा सा इधर उधर है, हर बार की तरह यही होता है सीन, डेस्टिनेशन कुछ सोचते हैं, जाते जाते टाइम लगता है, फिर सोचते हैं यार छोड़ वहाँ का जाना, कहीं और रुकते हैं वहीं जाके खा पी लेंगे। तो अभी भरतपुर जाने का प्लान मुझे लग रहा है वहीं, समझ नहीं आ रहा कि जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि गौरव इस सेंगे भरतपुर जाने के लिए सिटी में घुसना पड़ेगा, वहाँ पे ट्रैफिक जैम में फंसेंगे, वहाँ पे एक अलग कलोल चालू होगा, इसलिए बेटर है कि बाहर हाईवे पे ही रुकते हैं कहीं और बढ़िया सा एक ब्रेकफास्ट करते हैं, रिलैक्स मारते हैं, चिल मारते हैं, बातें करते हैं एंड वहाँ से यू टर्न मारेंगे। भाई ये क्या बना है, क्या ये रोड ऐसी है कि एटलीस्ट 110 पे तो सभी चला रहे हैं, इधर अगर आप 70-80 पे चलाओगे तो ठुकने का ज़रा चांस है, इसलिए मैं भी 100-110 मेंटेन कर रहा हूँ। पर बीच में कभी कभी थोड़े से फन के लिए ये हो जाता है सीन हल्का सा। ये देखो यार GS की पावर 1250 cc ट्विन पुलिंग थ्रू लाइक अ चार्म, कीपिंग यू एंटरटेन्ड ऑल द टाइम, व्हाट एन अमेजिंग राइड, एंड द राइड इज बीइंग मेड स्पेशल बाय दिस अमेजिंग मशीन, KD कॉलेज ऑफ नर्सिंग। बनाए जाओ कॉलेजों को ढाबों की तरह बनाए जाओ, जिसका दिल करे हाईवे पे जिस मर्जी कॉलेज में एडमिशन ले लो, लंगर बट रहा है बीटेक का और डॉक्टरी का, क्या बात है। लाइन से 7-8 कॉलेज देख चुका हूँ मैं इस रोड पे, GL बजाज भी आ गया है। अच्छा ये रहा टर्न, अच्छा बट जगह कैसी है वैसे भरतपुर, रास्ता वन वे टाइप का विदाउट डिवाइडर वाली रोड होगी, तो 1 घंटा लग जाएगा मेरे को लगता है 34 किलोमीटर करने में अंदर वाले, क्या कहते हो। जूता तो लटक गया नीचे ऐसी की तैसी, यहाँ पे रुके हैं, मुझे तो लग रहा है वापस ही जा रहे हैं क्योंकि भरतपुर जाने में लगना है 1 घंटा अंदर और गर्मी हो रही है तगड़ी, तो बेटर ये कि एक्सप्रेस वाला रास्ता पकड़ते हैं मथुरा वगैरह में से खा खू के कुछ बढ़िया। GS अपनी चल रही है बढ़िया, देखो मस्त प्लास्टिक है वैसे तो बट स्टिल। सो हमारा भरतपुर जाने का प्लान हो गया कैंसिल, क्योंकि 40 किलोमीटर अंदर जाना था, 40 किलोमीटर बाहर आना था, और वहाँ पे एंजॉय करने के लिए मौसम सही नहीं लग रहा जैसा मुझे लग रहा था, भाई भरवा रहा है पेट्रोल। और इसके बाद हम मथुरा में ही एक बढ़िया सी जगह पे कचौरी लस्सी और रबड़ी ये सब खाएंगे, द रमन ये फेमस है, मतलब तुम कह रहे हो दुकान। सो ब्रेकफास्ट राइड तो होता है एक बहाना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कहाँ जाके क्या खाएं, मेन पर्पस तो होता है बाइक चलाना। तो अभी हम लोगों ने चला ली है ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर्स बाइक, अब मथुरा सिटी मेन सिटी में आए हुए हैं, रमन की कचौड़ी। ज़्यादा गर्म है, GS 1250 की रियर सीट पे आपके सामने पड़ी है कचौड़ी। नॉर्मली मैं कचौड़ी खाता वाता तो हूँ नहीं, बट इतना ज़्यादा सुना है यहाँ की कचौड़ी के बारे में कि भाई आ गए हैं राइड करते करते खा लेते हैं, और इसके बाद खाएंगे हम रबड़ी। कल रखा था शुगर फास्ट एंड आज शुगर फास्ट टूटेगा सीधे रबड़ी से, क्या सीन है यार, बहुत बढ़िया। कहाँ से आ रहे हो भैया? मैं दिल्ली से यार। अब
बस वापस दिल्ली यही टेकमन सिटी टाइम पास करने आए टाइम पास संडे भाई क्या है लाया भाई सप्लायर आ गया हमारा जलेबी और रबड़ी इधर ले आओ इधर रखो इस गद्दी पे रखो गद्दी पे टिका दो भाई भाई की वर्सेस पे हमने कर दिया अपना सामान सेट बढ़िया जलेबी है एकदम करारी और ये है हमारी रबड़ी लगाई जाए और A few moments later. जो भी हो भाई स्वाद थी इट वॉज वर्थ इट जनरेटर ऑन हो गया हमारा चलो भाई सो अभी हम निकल रहे हैं बाहर एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहे हैं आफ्टर दैट कचौड़ी जलेबी एंड रबड़ी ब्रेक सो ये लगाया हमने 100 पे क्रूज कंट्रोल पे एंड यहाँ पे करना है रिलैक्स कोई पंगा है नहीं जीएस चल रही है अपनी क्रूज में सो दिस इज हाउ वी आर स्पेंडिंग आवर संडे मॉर्निंग ऑन द BMW 1250 GS द बाइक इज सेट इन क्रूज कंट्रोल 107 kmph दैट इज द क्रूजिंग स्पीड 6th गियर ऑन द आगरा एक्सप्रेसवे एंड वी आर जस्ट चिलिंग वैसे एक बात बता एक्सप्रेसवे पे सुपर बाइक्स अलाउड नहीं है ठीक है बट साला यहाँ पे क्यों अलाउड है तो JP ने पैसे खिलाए हुए हैं गवर्नमेंट को रूल तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो अगर रियली सेफ्टी की कंसर्न है तो यहाँ भी नहीं अलाउड होनी चाहिए टेक्निकली क्या कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना कि इन्होंने ज़्यादा पैसे खिला दिए JP वालों ने सब धांधलेबाजी है अपनी मर्जी से जहाँ लेना है टोल वहाँ ले रहे हैं जहाँ बाइक अलाउ करनी है कर रहे हैं और जहाँ नहीं करनी वहाँ नहीं कर रहे हैं भाई सेफ्टी की बात है असली में तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना कि भाई किसी भी एक्सप्रेसवे पे कोई भी टू व्हीलर नहीं आना चाहिए और उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम ये है कि अगर आप राइडिंग गियर पहन के बड़ी बाइक चला रहे हो तो डेफिनेटली आपको तो एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पे रोका जाएगा बट वहीं अगर आप स्प्लेंडर पे जा रहे हो चप्पल उप्पल पहन के तो कोई इशू नहीं होने वाला आपको जाने दिया जाएगा क्योंकि आप उधर के गाँव वाँव में इधर उधर आसपास पे रहने वाले बंदे हो और आपके लिए एक्सप्रेसवे तब सेफ है हो गया भैया कितने का था पर्चा एक का 135 का बाइक का टोल एक का बहुत बढ़िया जिंदाबाद सी हाउ ब्यूटिफुली द सस्पेंशन इज वर्किंग द टेलीलीवर सस्पेंशन ऑफ GS वाओ आई कैन सी दैट एट प्ले राइट नाउ A little bit of bounce happening in the suspension, the compression and dampening coming into play on this expressway, which by the way is supposed to be flat, but it has those mild undulations up and down that keep you entertained. This is amazing tech from BMW and everything just works together so seamlessly. So after the toll, ek nimbu pani break lene ka man kar raha hai yahan pe. बिल्कुल भाई साहब सारे हवाई जहाज वाले सिस्टम है इसमें बस उड़ती नहीं है बस उड़ती भी है उड़ती है दिल में वो बात हो रही चाहिए जज्बा तो लगेगा उड़ रही है अब हम रुके हैं यहाँ पे 130 रुपए का नारियल पानी डबल भाई साहब ट्राई हो जाए अब पानी तो ठीक है क्वांटिटी देखते हैं तो ओके खत्म हो गया क्या भाई तीन सिप मोटे मोटे खत्म भाई ये तो लूट है यार असर लूट क्या बताएं भाई मतलब डबल भी दो पैसे और पानी की भी गारंटी नहीं हम गारंटी कैसे दे सकते हैं गलत बात है भाई पैसे की गारंटी मेरे 130 नहीं लो ना अभी पानी के हिसाब से पैसे होने चाहिए लो बताइए पैसे हम ले रहे हैं उनसे बात करो ना आप गलत बात है यार पानी निकलेगा इतना पानी चाहिए तो मैं कह रहा हूँ कम से कम 2 घंटे चलना चाहिए पानी अच्छा इस बात ऐसे पीते रहो नलके की तरह बाइक धो लो इससे इस बात की गारंटी नहीं दे सकती सर ऐसा ना हो जाए ये चलाने के बाद तू घर जाकर के मैं वर्सेस बेच रहा हूँ देख लियो भाई बता रहा हूँ तेरे को मैं पहली स्टैट्यूटरी वार्निंग दे चुका हूँ
का डॉक्यूमेंट। तो हम चला रहे हैं कावासाकी वर्सेस 650। ऐसा लग रहा है 3-4 साल पहले आ गए हैं अपनी ज़िंदगी में। ये हमारे पास बाइक होती थी, इसको हमने चलाया था 25,000 किलोमीटर फिर निकाला था। भाई बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है इस पे बैठा हुआ, तो मैं बता रहा हूँ सीरियसली कह रहा हूँ। तो वाइट कलर जो है ना ये वाला बहुत सेक्सी लगता है यार, ये कलर मुझे बेस्ट लगता है कलर। हाँ ऐसे ही ऐसे ही एग्जैक्टली, इतना प्लश लगता है कि कुछ होता ही नहीं। और ये सारा डायनेमिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है, अपने आप चेंज होता रहेगा टेरेन के हिसाब से। ये थी हमारी राइड वर्सेस पे। अब भाई बाय बाय करने का टाइम हो गया। ओके भाई मिलते हैं फिर, ठीक है। एनीवेज वी आर हेयर एट परीचौक नाउ, आई विल एंड द वीडियो हेयर। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, आप लोगों को होपफुली मज़ा आया होगा जितना मुझे मज़ा आया GS 1250 को फुल ऑन चलाने में। इस बार तो प्रॉपर हम लोगों ने इसकी स्पीड वगैरह पावर के फुल मज़े लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना गाइज, सब्सक्राइब करना, दिल करे तो शेयर भी कर देना। एनीवेज मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। बाय बाय।